रोकथाम के उपाय के तहत शहर में जोनल सर्वे का काम किया जा रहा है और सोमवार 11 जुलाई 2022 को शहर के सभी 10 जोन में 4513 घरों का सर्वे किया गया है। डेंगू रोकथाम अभियान के तहत निगम की स्वास्थ्य टीम डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठा रही है। धर्मपेट जोन में डेंगू का एक संदिग्ध मरीज मिला है, यह जानकारी मलेरिया एवं हाथी रोग अधिकारी डॉक्टर जैस्मिन मुलानी ने दी। सोमवार को जोनल टीम द्वारा 4513 घरों का सर्वे किया गया। इनमें से 138 घरों और 146 कंटेनर और 68 कूलर में डेंगू के लार्वा पाए गए, साथ ही बुखार के 7 मरीज मिले। निगम की टीम ने 81 कूलर खाली किए, 404 कूलर में 1% टेमीफोस घोल और 1044 कूलर में 2% डिफ्लुबेंजुरो टैबलेट थे। गप्पी मछली को भी 59 कूलर में फेंक दिया गया। डेंगू रोकथाम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक नागरिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर या क्षेत्र में कहीं भी मच्छर ना पनपे। डेंगू से संबंधित कोई भी हल्का लक्षण पाए जाने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।